थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब हमारा जो ज्ञान सेशन है ये हम शुरू करेंगे, और लास्ट में हमारा एक 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, या उसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपको ध्यान के दौरान हुआ है, राइट। तो हमारा जैसे टॉपिक है कि ध्यान से हमारे डीएनए कैसे प्रभावित होता है, या इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डीएनए, राइट। तो शुरू करें ना सर, मैम यस मैम शुड मैम, बी स्टार्ट? या ओके ओके। स्टार्ट। तो मास्टर, जैसा कि देखिए क्या है, डीएनए अगर जैसे हम देखते हैं तो एक बायोलॉजिकल टर्म है, राइट। डीएनए का जैसे फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो हमको इसके एक मतलब केमिकल स्ट्रक्चर पे या इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है उस पर हमको नहीं जानना है, राइट। हमको सिर्फ एक जनरल आइडिया लेना है कि ये क्या होता है डीएनए, जो जो हमारे साथ हो सकता है बहुत सारे लोग अभी जुड़े हों ध्यान में, कि जिनको बहुत सी चीजों का आइडिया ना हो, तो उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी ये, ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जैसे क्या है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि कभी हम ऐसे सेशन में जुड़ जाते हैं तो हमको फिर लगता है कि अरे हमको अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो डीएनए हम एक शॉर्ट में हम समझेंगे थोड़ा सा। डीएनए क्या होता है कि एक आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, एक मटेरियल होता है बॉडी में कि जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन, और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसके दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, है ना, जो ऐसे लेडर के फॉर्म में, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने पीपीटी बनाया था लेकिन मेरे पास लैपटॉप है नहीं तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ वो, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो, आई डोंट नो एम आई विजिबल और नॉट, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो ओके, आप आई डोंट नो, वो शेयर नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो ऐसे दो स्टैंड होते हैं, राइट, ऐसे ट्विस्टेड होते हैं जो, और उसके अंदर हमारा जो भी जेनेटिक ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें, आप लोग एग्जैक्टली तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, तो उसके थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल की एक फादर है उनके घर और उनका बेटा है, वो दोनों सेम दिखते हैं, तो डीएनए है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सेम भी दिख सकते हैं या फिर वो अलग भी दिख सकते हैं डीएनए के वेरिएशन के थ्रू, राइट। तो डीएनए का काम क्या होता है, क्या करता है ये डीएनए आरएनए और प्रोटीन को बनाता है जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होती है। तो डीएनए के थ्रू क्या क्या होता है कि हम काफी सारी ऐसी चीजें कर पाते हैं जो भी, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के लेवल पे हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, और जब हम ध्यान में जुड़ते हैं मास्टर्स, तो हमारा ये जो टू स्ट्रैंड्स का जो डीएनए है वो 12 स्ट्रैंड के डीएनए में ट्रांसफॉर्म होता है। क्या ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब रूपांतरित, राइट। तो ये कैसे होता है ये प्रोसेस, तो मास्टर्स ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं है। और देखिए डीएनए कोई अपने आप में एक अलग चीज नहीं है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, जैसे जैसे हम हमारी चेतना ऊपर के लेवल्स में कनेक्ट करती है, वैसे वैसे हमारा डीएनए ऑटोमेटिकली एनहेंस होता जाता है, अपग्रेड होता जाता है, राइट। जैसे हमको ऐसा लगता है कि ये कैसे होता होगा, कि ये कोई अलग से प्रोसेस है, अलग से कोई प्रोसेस है नहीं, है ना। तो बहुत सारे मास्टर्स हैं हायर डायमेंशन के, जैसे आपने सुना होगा कि चैनलिंग वाले बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे सेंट जर्मन की चैनलिंग है, राइट। उसके अलावा आर्कएंजल्स हैं उसमें, जो डीएनए के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ बताया है कि वो किस तरीके से हमको मिला था पहले, फिर वो कैसे अपग्रेड हुआ है, फिर हमको कैसे चैलेंजेस आए उसके लिए। तो उन्होंने एक चैनलिंग के थ्रू काफी सारी बुक्स में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। तो जैसे दिसंबर 2012 के बाद से, जब से ये नया साइकिल शुरू हुआ है, तब से हमारा ये अर्थ है 3D से निकल के धीरे धीरे 4D में आया, 4D से अब धीरे धीरे 5D में जा रहा है, राइट। तो तब से एक अवेकनिंग जो है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है लोगों के अंदर, तब से उसका एक स्पीड बढ़ गया है। जैसे 2000 के पहले ये था थोड़ा एक स्लोअर रेट था, तो वो रेट थोड़ा सा तेज हो गया।
तो अब आप इस टाइम पे देखते हैं, जैसे आप इंडिगो चिल्ड्रन का आप एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं, न्यू एनर्जी मास्टर्स का, जैसे आप सेंट जर्मन की अगर बुक्स अगर आपने पढ़ी होगी किसी ने, तो उसमें न्यू एनर्जी का काफी कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज पढ़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो। तो सारे मास्टर्स यहाँ पे ओवरऑल हमारी हेल्प के लिए हमको एक नॉलेज हमेशा देते रहते हैं, ताकि हम उससे अपनी चेतना का विस्तार करें। तो जैसे आप देखते हैं कि क्या है, जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं ना मास्टर्स, तो उस टाइम पे क्या है, उसी फ्रीक्वेंसी के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। उसी फ्रीक्वेंसी, जैसे लोअर फ्रीक्वेंसी में हम हैं, तो कम फ्रीक्वेंसी में जब हम वाइब्रेट करते हैं, तो उसी लेवल का एक थॉट हमारे दिमाग में क्रिएट होता है, राइट। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचो कि एक एक कोई मेडिटेटर है, राइट, और एक नॉन मेडिटेटर है, अगर वो चाहता है कि वो ध्यान सीखे, तो उसकी चेतना का लेवल क्या है, उसका लाइफ प्लान क्या है, सोल प्लान क्या है, उसकी सोल किस लेवल पे है, अभी इन्फेंट सोल है, बेबी सोल है, राइट, मच्योर है, ओल्ड है, किस तरीके का सोल है, उसका लाइफ प्लान क्या है, सारी चीजों का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि कई लोगों को आप ध्यान सिखाते हैं तो वो ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं आ पाते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो एक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो हमारा हमेशा एक काम यही होता है कि हम लोगों को बताएं, लेकिन वो सीखेंगे या नहीं सीखेंगे ये हम नहीं कह सकते इस चीज को, क्योंकि ये कंप्लीटली उनके प्लान पे ही डिपेंड करता है मास्टर्स, है ना। तो जैसे अब हमारा डीएनए का जो टॉपिक है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मास्टर्स पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्रीज की डिस्कस करेंगे कि पहले किस तरीके से। मैम आप प्लीज म्यूट कर लें। मैम आप प्लीज म्यूट कर लें, वॉइस आ रहा है आपका मैम। आई थिंक वो सुन नहीं रही है, इट्स ओके। तो जैसे हम देखते हैं डीएनए का, है ना, कि डीएनए की हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहले जब हम अर्थ में आए, काफी पहले, तो उस टाइम पे क्या होता था, देखिए डीएनए के जैसे दो स्ट्रैंड होते हैं, हमने जैसे बात की कि वो 12 लेयर, मतलब 12 स्ट्रैंड में ट्रांसफॉर्म होते हैं, कब, जब हम ध्यान करके हमारी चेतना जब उस लेवल तक पहुंचती है तब। लेकिन आज से काफी साल पहले क्या किया था कि जो काउंसिल थी उसने, जैसे हमको डीएनए मिला था, ठीक है। मैम आप प्लीज म्यूट कर लें, एक्सक्यूज मी। प्लीज म्यूट कर लें, आप वॉइस आ रहा है। ओके थैंक यू। तो मास्टर्स उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा गैलेक्टिक काउंसिल है, उसने जो हमारा जो डीएनए था, जैसे पहले आपने भी सुना होगा कि हमारा जो डीएनए था वो 12 स्ट्रैंड का था, राइट। लेकिन काउंसिल को चाहिए था अर्थ को एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल जैसे बनाया अर्थ को, कि यहाँ पे दूसरे डायमेंशंस के जो भी मास्टर्स हैं वो आएंगे, और यहाँ पे रह के वो खुद को मतलब एक्सपीरियंस करेंगे रह के, राइट। तो इसीलिए अर्थ को एक आर्मी स्कूल जैसे बनाया गया बहुत पहले, बहुत सालों पहले। तो उस टाइम पे जो हमारा गैलेक्टिक काउंसिल था, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट था, उसके थ्रू इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को एक अपग्रेडेशन फील हो, या इस हमारी जो वननेस का एक वैल्यू हो, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी चेतना को अल्टर कर दिया, डीएनए को अल्टर कर दिया, राइट। तो उसके कारण क्या हुआ कि हम ये भूल गए कि हम कौन है। पहले हमको पता था कि हम कौन है, लेकिन इस जो भी ये फैसला लिया उन लोगों ने, उसके बाद से हम ये चीज भूल गए। तो जब हम भूल गए, तो फिर हमारी चेतना क्या हो गई, नीचे वाले लेवल पे आ गई, और धीरे धीरे फिर हम वही निचले लेवल की एनर्जी में आ गए। ये होने के बाद फिर क्या हुआ कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी ऊपर वाले जो तलों की, ऊपर के तल में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके पास बॉडी नहीं थी, उनको नॉन फिजिकल बींग्स थे वो, उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, अर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसा कि हम बुक्स में पढ़ते हैं। तो उसके थ्रू हम सीधे हम 3D में आ गए, और तब से हम 3D में ही जी रहे हैं। तो 3D में आके उन्होंने सबसे पहला चेंज उन्होंने क्या किया कि हमारा जो 12 स्ट्रैंड का डीएनए था, उसको 2 स्ट्रैंड में उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जब 2 स्ट्रैंड का हो गया, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, जो हमारा ब्रेन एक वास्ट लेवल पे काम करता था, वो एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम करने लगा। तो हम जो चीजें पहले हम बहुत आसानी से समझ पाते थे, वो हम समझना बंद हो गए। फिर अर्थ में वो सारी चीजें शुरू हुई कि खाने के लिए लड़ाई, जैसे हमको एक टाइम पे खाना भी नहीं चाहिए था,
जब हमारी चेतना उस लेवल की होगी तो आपको खाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि हम जैसे जैसे हम हायर डायमेंशन में जाते हैं, एक तो सबसे पहले हमारे फिजिकल बॉडी खत्म हो जाता है, फिजिकल बॉडी की जरूरत ही नहीं होती। आप एक लाइट के फॉर्म में, एक लाइट के सोर्स के रूप में आप रहते हो वहां पे सर, आपके पास बॉडी भी नहीं है वहां पे। तो जब बॉडी नहीं है तो आपको खाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो उस लेवल पे हम है नहीं, हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है। और फिजिकल बॉडी जब हमारे डिग्रेड होने लगता है, एक हमारी चेतना का लेवल, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, हम प्लांट खाते थे, राइट। आज से काफी साल पहले हम प्लांट खाते थे, फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मांस खाना शुरू किया, मीट खाना शुरू किया, हमारे जो पूर्वज थे। लेकिन साइंटिफिक जो भी रिसर्च हुए इतने टाइम में, उनमें ये रिजल्ट निकल के आया है कि अगर आप मीट, मतलब अगर आप कंजम्पशन आप करते हो, तो आपका एक्सटिंक्शन भी उतना जल्दी होगा। तो जो भी हमारे पुराने टाइम में जो भी एनिमल्स थे, आपने देखा होगा कि डायनासोर थे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे, वो एक्सटिंक्ट भी हो गए क्योंकि वो उतने ही मास लेवल पे या बिगर लेवल पे कंजम्पशन करते थे, राइट। तो उसके बाद से फिर नया जो टाइम आया, उसमें सारी चीजें धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हुई। तो ये जो 3D में हम आज हैं, या हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ है, तो ये एक गैलेक्टिक काउंसिल का ये एक प्लान है मास्टर। ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं है, हम खुद इसको प्लान करके आए कि हमको एक्सपीरियंस करना है, राइट। तो कभी भी अगर इस संसार में, सृष्टि में कोई भी चीज हो रही है, तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद लेके आए हैं। तो बिना रीजन के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा डीएनए क्या हुआ, हमारा डीएनए कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गया, राइट। और उसके बाद फिर जैसे हम और भी बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे सनशाइन बिफोर द डॉन में, कि जब हमारा डीएनए डिग्रेड हो गया, तो उसके बाद से फिर एक गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट या गैलेक्टिक काउंसिल का एक और बैठक जो बोलते हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती थी, उसमें ये डिसाइड किया उन लोगों ने कि ह्यूमंस को एक, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी जाए अर्थ बींग्स को। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक ह्यूमन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसके पास मतलब 12 स्ट्रैंड का डीएनए एल्टर्ड फॉर्म में था, राइट। मतलब जब वो अर्थ में आ रहा है, तो उनके पास जो डीएनए है, वो दो दो मतलब सॉरी स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। तो 2 स्ट्रैंड का जो डीएनए है वो ही रहेगा, लेकिन जब वो अपनी चेतना का विस्तार करेंगे, तो वो जो डीएनए है वो 12 स्ट्रैंड के डीएनए में बदल जाए। तो 12 स्ट्रैंड के डीएनए में जब बदलेगा, एक्सक्यूज मी, जब 12 स्ट्रैंड के डीएनए में बदलेगा, तो वो किसी भी डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी 12 डायमेंशन जो है, 12th डायमेंशन तक वो कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो हायर लेवल पे जो भी बींग्स थे उनके पास नहीं थी, कि वो डायमेंशन जंप नहीं कर सकते थे, लेकिन अर्थ में हमारे पास आके ये हमारे पास एक एडवांटेज है कि जब हमारी चेतना का विस्तार होगा, तो हम ऊपर के तलों में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि आपको एक के बाद एक के बाद एक जाना है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे आपने पत्री जी को देखा कि उन्होंने इतना काम किया यहाँ पे अर्थ में रह के, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, आज पत्री जी कॉस्मिक गवर्नमेंट में, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट में एक सबसे मेन एक पोजिशन उन्हीं का है, राइट। सारे जो भी डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं, शंभाला में जो भी हो रहा है, महावतार बाबा जी जो भी काम कर रहे हैं हमारे लिए, महावतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। उनकी करुणा और उनके ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपना शरीर जो नहीं छोड़ा, और हमारे लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं शरीर में रहते हुए। जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए काम करते हैं अभी भी। जैसे अभी हमने बात की कि सेंट जर्मन हो गए, आर्क एंजल्स हैं, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं। और जो भी हमारे देवी देवता हैं, जिनको हमारे सो कॉल्ड देवी देवता, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, लेकिन वो क्या है, स्पिरिट्स हैं जो यहाँ से उन्नत तलों में जाके रह रही हैं, और जो हमारी हेल्प करती हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसे बहुत से लोग हैं मास्टर्स जो यहाँ से डायरेक्टली उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो हमारे अंदर भी वो एक पावर है, एक कैपेबिलिटी, एक पोटेंशियल हमेशा है कि हम भी उस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि हमको सबसे पहले तो समझना होगा, खुद को टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और डीएनए कोई एक अलग से चीज नहीं है, जैसे मैंने बताया कि डीएनए के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, राइट। आप जो डेली बेसिस पे जो भी आप अपना आध्यात्मिकता में जो भी कर रहे हैं, आप करते रहें, तो ऑटोमेटिकली आपका डीएनए अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा।
ये हम बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे अभी। अगर मेरा सेशन फिर से होगा तो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स देयर। तो डीएनए, जैसे मैंने बात की, डीएनए को हम क्या है, कुछ ऐसी मुद्राएं बताई हैं, कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, 12 मुद्राएं हैं। तो उनके थ्रू भी हम अपने बेसिक, इनको बेसिक एलिमेंट बोलते हैं, उनके थ्रू भी हम अपने डीएनए को धीरे धीरे एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स बोलते हैं हायर डायमेंशंस के कि ये मुद्राएं और ये जो भी एक्सरसाइज है वो उतना काम नहीं करती है जितना हमारा जो हार्ट चक्र है, जो हमारा, हमारे अंदर जो भी प्रेम और एक करुणा का जो भी एक प्रसार हो रहा है हमारी चेतना में, वो सबसे जरूरी चीज है। कि हम कितना दूसरों को का दुख दर्द हम समझ पा रहे हैं, कितना हम खुद को उनकी जगह पे रख के देख सकते हैं, कितना हम दूसरों को हेल्प करते हैं। जैसे आप आध्यात्मिकता का सबसे जो उच्च लेवल है, उच्च स्तर है, वो क्या है, सेवा। जब आप सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप क्या करते हो, आप लोगों की सेवा करना शुरू करते हो, राइट। सेवा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आप ध्यान सीख रहे हो आपको लगता है कि ये सब तक पहुंचे। जैसे आज मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सीखी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबको सिखा पाऊँ, जितने लोग भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो आपके अंदर वो एक करुणा का, एक प्रेम का भाव, एक हमेशा जागृत हो जाता है कि मुझे सबको सिखाना है। तो ये एक सेवा एक तरीके की, क्योंकि देखिए यूनिवर्स में आप अकेले नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारी सबकी चेतना आपस में जुड़ी हुई है। हमारी चेतना क्या है, कलेक्टिव है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सब सारे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कभी भी जब हम उठते हैं तो हमको दूसरों के लिए भी लगता है। जैसे आप ऊपर वाले जो भी हायर डायमेंशन में आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि चेतना वहां पे इंडिविजुअल है। जो बहुत सारे जो डायमेंशन है वहां पे चेतना ऐसे कलेक्टिव नहीं है जैसे अर्थ में। वहां पे जिसकी चेतना है वो अपने लेवल पे काम करेगा, राइट। लेकिन वहां पे ये रहता है कि वो इतना मच्योर्ड है, इतना इवॉल्व है कि वो सही डिसीजन लेगा। तो इसीलिए उनकी चेतना इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है। लेकिन अर्थ में जो हमको फ्री विल मिला है, कई बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं उससे, राइट। कई बार देखिए क्या है, हमारे जो भी लेसन है, हम ऊपर से आए, हमारा लाइफ प्लान में हमारे लेसन फिक्स है कि हमको क्या क्या लेसन लेने हैं। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से लेना है। जैसे आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूट लेना है। आप एक डायरेक्ट रूट भी ले सकते हो, आप घूम के भी जा सकते हो। तो किस तरीके से करना है ये हमारी फ्री विल है, राइट। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिनके थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनमें हमारा फ्री विल कहीं ना कहीं काम करता है। तो ये सबका एक क्या बोल सकते हैं कि बेसिक फ्रीडम, मतलब एक क्या बोला जाए, बेसिक राइट है, फ्रीडम है कि आप अपने तरीके से, किस तरीके से आप करना चाहते हो। तो अर्थ में इसीलिए इसको एक स्कूल के तौर पे देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्कूल, इसीलिए कि यहाँ पे फ्री विल आपको मिला हुआ है तो आप अपने तरीके से आप चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ध्यान में आप उठ गए हैं, ध्यान में आप एसेंड हो गए हैं, तो उसके बाद ये है कि आप अपने जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, एस्ट्रल प्लेन जो होता है, हमारा सूक्ष्म तल जो होता है, वहां पे हमारा आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है, सबके आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं वहां पे। तो हम उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि जब हमारी खुद की चेतना इतनी जब बदल जाएगी तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे। कि हमको कुछ भी चाहिए, हम एक इंटेंट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी चेतना बहुत बढ़ गई, आपने एक इंटेंट लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो चीज आपकी फटाफट फटाफट होती जा रही है, सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। उसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कि एक आदमी बहुत गरीब है, उसको, वो रिच हो सकता है, तो उसकी मतलब लाइफ में अबंडेंस आ सकता है बहुत एक बिग लेवल पे, चाहे वो मतलब मनी एनर्जी के रूप में हो, या फिर एक हैप्पीनेस हो, एक बहुत सारी चीजें हो सकती है इस तरीके की उसकी लाइफ में, कि अबंडेंस ही अबंडेंस है हर जगह पे। उसको कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी तरीके की एक परेशानी नहीं हो रही है, वो बहुत खुश है, बहुत शांति से, बहुत आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मास्टर्स, आपने ये भी देखा है कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमको फिर किसी भी चीज का मोह नहीं होता, क्योंकि उस एनर्जी से हम ऑलरेडी ऊपर निकल चुके होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मास्टर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, और एक उनके पास काफी, वो लोग अर्न करते हैं, बहुत रिच होते हैं, एक टाइम पे आगे वो सब कुछ त्याग देते हैं और वो अपना जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित कर देते हैं। उनका बोलना ये होता है उस टाइम पे कि मुझे
इन सब चीजों में कोई रस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस मटेरियलिस्टिक चीजों से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस परमात्मा के रस को वो एक चख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, तो उनको पता होता है ये सबसे कुछ नहीं होगा, तो वो निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे श्रेयांश डागा सर यहाँ एमपी में, जिनका मुंबई में जिनका इतना बड़ा सा एक अपना फाउंडेशन, तो उन्होंने उनका इसी तरीके से उनका हुआ है ना कि उनके पास काफी उन्होंने कमाया, बहुत कमाया, लेकिन एक टाइम पे आकर उन्होंने सारा छोड़ दिया, एंड अभी इस टाइम पे वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं वो सब कुछ। मतलब आए दिन आपने देखा होगा कि जो वहां पे पिरामिड वैली है बैंगलोर में, उनके सेशंस वहां पे होते रहते हैं मैनिफेस्टेशन डिकोडेड वाले। तो ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, मतलब ही इज नॉट द ओनली वन, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, किस तरीके से होता है, प्रोसेस क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का प्रोसेस यही है कि हमारा सबसे पहले आप देखो कि हमारी बॉडी का जो एक एक सेल है, राइट, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आपका एक एक सेल है, मतलब आपका पूरा बॉडी आपका डीएनए से बना है, राइट। हर सेल में डीएनए, डीएनए का मतलब मेमोरी, मेमोरी का मतलब एक एक एंटिटी, मतलब जीवित जो बोलते हैं ना कि एक एक बीइंग है, मतलब उसका मतलब कि सारा आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपका डीएनए है हर सेल में, आपका एक एक सेल आपकी बात सुन रहे हैं। अगर आप खुद को कह रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, आपकी बॉडी वो भी सुन रही है, आप बोल रहे हो कि मैं बुरा हूँ, वो भी सुन रही है, प्लस आप दूसरे को बोल रहे हो, आपकी बॉडी वो भी सुनती है मास्टर्स। तो सबसे पहले जो भी आप बोलते हैं, है ना, जो भी आप सोच रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, आपके अंदर, और अंदर जो होता है फिर वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो इसीलिए ध्यान में सारे लोग हमको सिखाते हैं कि हमको सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन करना है ना, अपने अंदर चेंजेस लाना है, अपनी सोच में बदलाव लाना है, क्योंकि अंदर जब आपके बदलाव होगा तो वो बदलाव आपके बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगा टाइम के साथ। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं धीरे धीरे। देखिए ऐसे क्या होता है ना कि ध्यान में बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जब क्या है ना, खुद की लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो बहुत ही कम लोग हैं कि जो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली तो क्या होता है ना कि लोग ध्यान में 25 25 30 30 साल से हैं, बहुत लोग हैं, मैं भी देखती हूँ पर्सनली, लेकिन क्या है ना कि जब खुद को ऑब्जर्व करने का टाइम आता है ना तो नहीं करते हैं। तो वो मोस्टली इस तरीके का प्रोसेस हो जाता है कि वी आर प्रीचिंग समथिंग बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, तो इस तरीके से वो चीज हो जाती है। तो जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी एक जो रियलिटी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हमको जो हम दूसरों को बता रहे हैं वो हमको खुद को भी सीखने की जरूरत है, खुद की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उतारना है अपने जीवन में। तो जैसे जैसे आप उतारना शुरू करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना, उतारेंगे आपका डीएनए बदलेगा। आपने देखा होगा कि जब डीएनए बदलता है तो लोग अपने जेनेटिक जो भी आपके अनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, कि जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले, चाहे आपका एक अपीयरेंस हो, फिजिकल अपीयरेंस हो, या फिर उसके अलावा एक होता है ना इमोशंस जो आपको मिलते हैं, जो बोलते हैं कि जेने अनुवांशिक जो होती हैं चीजें, कि जैसे आपके फादर को गुस्सा आता है तो बेटे को भी आ रहा है, राइट, या फादर को इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो बेटे को है या बेटी को, राइट। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं मास्टर्स, तो हम अपने जेनेटिक जो भी ट्रेट्स हैं, आनुवांशिक लक्षणों को भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने डीएनए से, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। आपका डीएनए इतना पावरफुल है क्योंकि आपकी सारी बॉडी का जो भी मैकेनिज्म है उस पर डिपेंडेंट है ना, आपकी बॉडी उसी से चल रही है। तो इसीलिए जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आपका डीएनए धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होता है। और मास्टर्स ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, देखो आप ये नहीं है कि 2 दिन में ये सारी चीजें हो जाएंगी, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। ये भी एक आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आप जो यहाँ पे आके ले रहे हो एक तरीके का एक्सपीरियंस है कि आप पेशेंस रखना सीख रहे हो, है ना, आप मतलब साधना में आप खुद को बिठाल पा रहे हो, आपका खुद का एक पोटेंशियल कितना है, आप खुद को कितना एक बांध के रख पा रहे हो अपने तरीके से। बांधने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती चीजें कराओ, नहीं, जो चीजें आपके लिए नेसेसरी हैं, आपका विल पावर कितना है कि आप वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कई लोग बोलते हैं मुझसे भी कि हम ध्यान में 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं, हम इतनी देर बैठ पा रहे,
तो उसका आंसर तो किसी के पास नहीं है, राइट? अगर आप ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हो तो आपको खुद को ही कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरा क्या बता सकता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारे साथ जो भी चीजें हो रही है ना, उसके आंसर्स हमको जैसे मिलते हैं, हमको जैसे मुझे आंसर चाहिए तो मैं अपनी आईज क्लोज करूंगी और मैं अपने हायर सेल्फ से क्वेश्चन डालूंगी बैठ के, इंटेंट लेके कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मुझे वो आंसर मिलेगा। यशु आप ना अपना ये सेशन 10:20 तक मैं लूंगी अभी, एंड उसके बाद आप आपको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो प्लीज आप तब तक वेट करें, जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको रखे संभाल के, हम तब इसका आंसर लेंगे। ओके चलिए, तो इस तरीके से चीजें होती हैं मास्टर्स। हमको कई बार क्या लगता है ना कि बहुत आसान है चीजें, लेकिन उसके आंसर्स दूसरे कोई नहीं दे सकता, आपको खुद को करना पड़ेगा। या आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपके किस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं आपकी बॉडी में, किस तरीके का नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए आपको अपने हायर सेल्फ से, अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगेंगे। जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं उनसे आप धीरे धीरे कनेक्ट करोगे। एंजल्स हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत एक मास लेवल पे रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। हायर डायमेंशन में इतने सारे मास्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें होने लगती हैं हमारे जीवन में। तो इम्पैक्ट डीएनए का होता है तो उससे क्या क्या चीजें हमारी चेंज होती हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है जब हमारा डीएनए बदलता है। सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि हम कौन है ना। जैसे इसमें ये चीज भी इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं कि हम अपना एक लाइफ पर्पस जान पाते हैं, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर पे, हम सब कुछ जान पाते हैं। हमको ये पता चलता है कि हम कौन है, हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं, क्वांटम बींग्स हैं। क्वांटम बींग्स का मतलब क्या है, इंटर डायमेंशनल, जो डायमेंशन के बीच में जंप कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं बैठे बैठे इसी जगह पे। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आईज क्लोज करोगे आप कहीं भी चले जाओगे। तो ये सारी चीजें हमारे टाइम के साथ क्या होती हैं, बदलती हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हम अपने इंटेंशंस को फॉलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन एक ऐसी चीज है, इंट्यूशन ऐसे भी आप ले सकते हो, कि ये आपको आपके हायर सेल्फ से आता है, राइट? आपकी पूर्ण आत्मा आपको हमेशा एक गाइडेंस देती रहती है यहाँ पे संसार में, आप अकेले नहीं है, आपकी पूर्ण आत्मा हमेशा कनेक्टेड है आपके साथ में। लेकिन परेशानी क्या होती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, जब भी एक मुसीबत का टाइम है, जब भी परिस्थिति ऐसी बनती है तो हमको क्या लगता है, मेरा कोई नहीं है, मैं एकदम अकेला हूँ। फिर हम भगवान के सामने जाके हाथ पैर जोड़ते हैं, रोना शुरू करते हैं, राइट? शिकायत भी करते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि जल्दी से मेरी लाइफ सुधार दो। फिर हम रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं वहां पे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। वो इस टाइम पे हम आके जान रहे हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं जब ध्यान में आई मास्टर्स, तो मैं मतलब ये था कि मुझे एक क्रोनिक इश्यू हो गया था, मुझे इन्फ्लेमेशन था थोड़ा इंटेस्टाइन में उस टाइम। तो मुझे मैंने बहुत ट्राई किया ठीक होने का, पर मैं नहीं हो रही थी, बहुत तरीके से सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। और इतना पैसा भी लग गया उस सब में, स्टिल कोई मुझे कुछ फर्क नहीं था। तो मेरी मदर ने एंड मेरे भाई ने मुझे पुश करके आनापानासति ध्यान शुरू करवाया इन लोगों ने। एंड मतलब मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि 15 to 20 days में ना आई वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड उस टाइम पे। मतलब आई कुड नॉट बिलीव माई आईज एट दैट टाइम, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे ठीक हुई। एंड इस टाइम पे आई एम कम्प्लीटली ओके। मतलब वो एक शायद एक प्रकृति ने या यूनिवर्स ने एक क्या बोलना चाहिए कि एक चीज ऐसी आपको लाके दी कि जिसके थ्रू आप ध्यान में आओ। तो मेरा वो सोल प्लान था कि मुझे ध्यान में आना है, तो उसके लिए मैं अपना कुछ लेके आई थी साथ में। मेरा 80% कर्मा जो था वो बैलेंस हो गया था, तो उसके बाद मुझे ध्यान मिलना था जो मुझे मिला यहाँ पे, राइट? और तब से ये जो मेरी यात्रा है वो तब से चल रही है। और इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत चीजें सीखी। सबसे पहले तो वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जो प्रीच हम करते हैं हम फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि जो मैं दूसरों को बताती हूँ वो मैं खुद भी फॉलो करूँ। अदरवाइज मैं कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाऊंगी उस लेवल पे जिस पे मैं चाहती हूँ। तो ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज, मेरा एग्जाम्पल लेके, कि जो आप बनना चाहते हैं, जो आप दूसरों को बता रहे हैं, राइट, या आप कहीं पढ़ते हैं,
तो कोशिश करें मास्टर्स उसको अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि अपने आप कभी भी कोई चीज नहीं होती है, आपके एफर्ट्स हमेशा काउंट होते हैं। देखिए एक स्टेट क्या होता है कि आप इतना आगे बढ़ गए हैं चेतना के स्तर पे कि आपका कर्ता का जो एक भाव है वो खत्म हो गया है, राइट, कि आप ये समझ रहे हो उस लेवल पे आके, आपके यहाँ पे हार्ट में हमेशा एक वो चीज बनी हुई है कि आई एम नॉट द डूअर, है ना। डूअर कौन है यहाँ पे, वो परमात्मा है, राइट, वो आत्मा है या परमात्मा है कि जो मुझसे ये काम करवा रही है, मैं करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप एफर्ट लगाना एकदम बंद कर देते हो, आपका कहना है कि बस जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है होने दो, आप हर हाल में हर परिस्थिति में खुश हो, आपको किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ में, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं जी मैं तो बहुत मस्त हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वो वाला एक स्टेट होता है, लेकिन उस स्टेट के पहले हमको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं खुद को उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए, राइट। जैसे कोई आदत आपको छोड़नी होती है तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हो, तो बिना बिना एफर्ट्स की आदत नहीं छूटेगी। ऐसे ही जब आपको ध्यान, जो ध्यान का मतलब जैसे हम जानते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान घटित होता है, ध्यान करने से नहीं होता, और ध्यान का मतलब है सहज ध्यान। सहज ध्यान का मतलब है कि जो अपने आप लग जाए, राइट, ऐसा नहीं है कि आप खुद से एफर्ट लगा के आंख बंद करके बैठे हो। ध्यान का मतलब है कि आपकी आईज अपने आप क्लोज हो गई और आप ध्यान मुद्रा में आ गए, तो इसको बोलते हैं ध्यान। तो उस ध्यान के स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले मतलब आपको खुद से कोशिश करनी पड़ती है ना एफर्ट लगा के कि हाँ मैं ध्यान करूंगा, या मैं अपना टाइम बनाऊंगा कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक करूंगा। आप कोई भी अपना एक रूटीन बना लेते हो, शेड्यूल बना लेते हो, उसके हिसाब से आप कर रहे हो। तो पहले उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे देखो आप सबसे पहली चीज वही है, हमारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है ना, इनर वॉइस, या जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, कि वहां से जो भी आ रहा है आपको उसको सुनना है, उसको सुन के उससे कनेक्ट करना है और उस पर भरोसा करना है, अपना 100% आपको ट्रस्ट रखना है कि हाँ जो भी आ रहा है मुझे मैसेज वो मेरे लिए एकदम ठीक है या मेरी ग्रोथ के लिए। तो धीरे धीरे इस तरीके से आपकी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, जो भी इंट्यूशन आ रहे हैं आपके उनको आप फॉलो करना शुरू कर रहे हो, सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, अलाइन होने लगती हैं। जैसे दिसंबर, जैसे 2012 के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अर्थ में एक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गया, राइट। तो जो भी न्यू एनर्जी मास्टर्स है, जैसे मैंने अभी ध्यान में भी बोली थी ये चीज कि न्यू एनर्जी मास्टर्स आ रहे हैं बहुत सारे, जन्म लेके गर्भ से, है ना, जिनको इंडिगो चाइल्ड भी बोलते हैं, उनकी चेतना इतनी हायर लेवल पे है, मतलब वो जन्म लेते ही मतलब अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़े हुए हैं वो पहले से, तो उनको जन्म लेने के साथ ही पता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनको यहाँ पे रह के क्या करना है, उनको सब कुछ पता है। तो ऐसे जब मास्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हम 5D की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि वननेस 5D का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, द इवेंट जो हम सुनते हैं बार बार, गैलेक्टिक इवेंट, वो यही है कि धीरे धीरे अर्थ जो है वो ट्रांजिट हो रही है 5D की तरफ। तो वो कैसे हो रहा है मास्टर्स, वो जो भी हायर बींग्स है जो अर्थ में आ रहे हैं हमारी हेल्प के लिए इस टाइम पे, उनके थ्रू अर्थ की चेतना का एक क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, चेतना परिवर्तित हो रही है, हायर लेवल पे जा रही है, प्लस जो भी ये ध्यान ज्ञान का जो भी प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, अर्थ का जो फिजिकल बॉडी है, जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है, ऐसे ये जो अर्थ है इसका भी एक फिजिकल बॉडी है, तो उससे क्या हो रहा है, अर्थ की फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, अल्टर हो रही है, उसके साथ साथ अर्थ की जो चेतना है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्थ 5D में जा रही है, क्योंकि कलेक्टिवली हम देखेंगे तो हम उनको सबको वहीं पे जाना है, जो आज ध्यान कर रहे हैं वो भी वहां पे जाएंगे, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं वो भी वहीं पे जाएंगे, सबका टाइम निश्चित है मास्टर्स। देखो क्या है, आपकी टाइम से पहले कुछ नहीं होता, तो राइट टाइम पे हमेशा राइट चीजें होती हैं। तो हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी कि अगर अब हम ध्यान में आ गए, हमको परमात्मा ने प्रकृति ने जब ये मौका दिया है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलें, खुद को हम उठा पाए, उस लेवल पे एसेंड कर पाए, तो उसके लिए हमको अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स जेन्युइनली लगाने चाहिए, ऑनेस्टली, तभी हम ग्रो कर पाएंगे प्रॉपर रूप से। क्या होता है ना, देखिए बात वही आ जाती है घूम फिर के कि आज एक सेशन हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, तो या मेरी जगह हो सकता है कोई बहुत ज्यादा सीनियर मास्टर्स हो जो भी आते होंगे,
तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, जैसे ही सेशन खत्म होता है हम वापस उसी चेतना में पहुंच जाते हैं। या कोई ध्यान हुआ है तो ध्यान के दौरान आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी चेतना कहाँ चली गई, उच्च तल में कनेक्ट हो गई। वहां से कनेक्ट करके आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति, बहुत ज्यादा एक ब्लिस का आपको एक फील होता है, एक है ना एक्सटेसी वाली एक स्टेट आ जाती है। लेकिन जैसे ही दिन में आप फिर उसी चेतना में आप वापस आ जाते हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक तो खुद को ऑब्जर्व करना है, दूसरी चीज है अपनी सांस पे ध्यान देना है, ट्राई करना है अपनी सांसों के साथ बने रहो। और जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ बने, साक्षी भाव में रह के खुद को देखना है, खुद को अलग करके अपने जो भी पीछे, जो बोलते हैं ना दरवाजे के पीछे खड़े होके देखना, जैसे न्यू एनर्जी बुक में है कि दरवाजे के पीछे खुद को खड़े होके देखना है। तो 2 कदम पीछे लेके खुद के इस फिजिकल बॉडी को देखना है, ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर मच मच मोर देन दिस बॉडी, राइट। ये बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमको मिला है, हम इस बॉडी से बहुत ऊपर है। हमारी चेतना बहुत ही उच्च आयाम की चेतना है जो इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर निवास कर रही है इस टाइम पे। क्यों कर रही है, क्योंकि इसका एक पर्पस है, उस पर्पस के साथ वो आई है। जब वो अपना काम कर लेगी यहाँ पे तो वापस इस शरीर को छोड़ के वो चली जाएगी, और जब तक हमारा वो पर्पस पूरा नहीं होगा तब तक हम ये शरीर नहीं छोड़ पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हमको टाइम मिला है तो हमको इसको यूटिलाइज करना है और अपनी ग्रोथ करनी है, एंड अपने साथ साथ जो लोग हैं उनकी भी ग्रोथ करनी है, राइट। तो यहाँ पे कंक्लूड होता है हमारा सेशन, है ना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो अब आप पूछ सकते हैं ना, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। एंड अगर कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी। हाँ जी, हाँ जी मैम, यस मैम, देखते हैं कौन। ये टीना जी का हाथ है, हैंड रेज है। टीना जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम बोले यस मैम बोलिए। जी। मैं ध्यान कर रही थी तो जी वैसे मैम, तो 3 4 दिन से मेरी पीठ में दर्द बहुत हो रहा है, और आज ना, ओके। आज जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे यहाँ पे मतलब माथे पे ओके, आप महसूस हो अपना रहा था, वीडियो ऑन और कीजिए मेरी ना मैम। जो मेरी वीडियो ऑन गर्दन कर थी। लीजिए मैम, आपको देखने में इजी होगा हमको। मैम वीडियो ऑन कर लें टीना प्लीज। मैम, अपना वीडियो ऑन कीजिए। अब वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे मैम। अच्छा, हाँ जी, हाँ ऑन जी, हो यू आर गई विजिबल। हाँ, है उस उस मेरी गर्दन बिल्कुल पीछे 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 ऐसे गई है गर्दन, और हल्की सी ओके हल्का हल्का व्हाइटपन आना शुरू हुआ। ओके मैम, क्या हाँ होता है जी, ना, देखिए उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता है ना, एक तो हमारा बॉडी हल्की हल्की होती जाती है जैसे जैसे हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं ना, और हम क्या है ना, अपने जो एक हायर सेल्फ से ज्यादा जुड़ते जाते हैं, मास्टर से जुड़ते जाते हैं। तो लाइट हमारे कहाँ, यहाँ ब्रह्म रंध्र में आता है, राइट। तो जैसे जैसे हमारी गर्दन पीछे जा रही है ना, इसका मतलब उस चेतना से हम ज्यादा इफेक्टिव रूप से हम जुड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, मेरे साथ भी होता है ऐसा कई बार, तो इट इज वेरी नॉर्मल, आप डरे मत। और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उसको दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखें और बोलें कि मैं इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। कभी भी जज मत करिए, आप जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं हमारे अच्छे के लिए होते हैं। उस गुड, समय ये वेरी गुड। बोलना ठीक हाँ है जी, मैम, हाँ जी, उसी ओके समय ओके ये बोलनी है ये चीज कि मैं ओके इसको ओके स्वीकार कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली मैम, जब भी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है, तो ऐसा सबसे पहले तो जज नहीं करना है, और ये सोचना है कि मैं इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। कुछ भी नहीं सोचना है, अच्छा बुरा कुछ भी मैम, नहीं, है वो सोच मेरे में दिमाग में कोई भी नहीं आई, बस ये आया कि ना। और बस गर्दन बहुत ज्यादा पीछे तक गई है मेरी, और हल्का सा रोशनी, हल्की सी व्हाइट 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 सा हल्का सा हुआ है। फिर मैं चाह रही थी कि कई बार क्या होता है ना मैम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें भी प्रोसेस होते रहते हैं, है ना। छोटे छोटे क्या है ना, एकदम माइक्रो साइज के मास्टर्स हैं जो हमारी एनर्जी बॉडी में काम करते हैं। तो कई बार क्या है, उसके कारण भी ये चीज पीछे जाती है। बहुत सारे रीजन है, एक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बस बात इतनी है ना। तो ठीक है, आप करते रहो, है ना। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम यू, जी, थैंक यू। थैंक। यस रमेश जी, आपको कुछ पूछना है? यस मैडम, मेरा एक यशु, क्वेश्चन ये है। हाँ यस, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, जी, बोलिए। नमस्कार।
ये डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, क्या जो जब कोई नई चेतना इस यूनिवर्स में नीचे आ रही होती है तो क्या उसको अपने जी बारे में मालूम होता है कि मैं जब इस जगह पे जाऊंगी तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, और क्या मैं इस ये नीचे वाली सोसाइटी को दे के जाऊंगी, क्या कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस है? और क्या सेकंड क्वेश्चन ये है सर, मेरा, और सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या मैं अपने डिवाइन मास्टर से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले तो यस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे। फर्स्ट ठीक वाला है, जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना सर, चेतना, देखिए हम चेतना, तब चेत में ही हैं जो भी यहाँ पे अर्थ में है, लेकिन जब हम पहली बार जब हम अपना एक, जैसे आपने न्यू एनर्जी बुक पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी नहीं, है तो आप प्लीज पढ़िए उसको। नई न्यू एनर्जी बुक है, रेवती देवी की बुक है, आप उसको प्लीज पढ़े, है ना। न्यू ठीक है, एनर्जी और एसेंशन दोनों बुक है, दोनों बुक का पैकेज है, आप लेके पढ़े। तो सर उस बुक में यही आप सबसे पहले जानते हैं कि आप जब सबसे पहले जब आप अर्थ में पहली बार आते हैं ना, तो एक आग की दीवार को हम क्रॉस करके आते हैं, ठीक है। उस आग की दीवार को क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन यस, अग्रीड, है ना। तो हम फिर उस जो हमारा ओरिजिनल होम है, हम वहां पे वापस नहीं जा पाते हैं तब तक जब तक हमारी यहाँ की जर्नी खत्म नहीं होती। यहाँ की जर्नी खत्म तो नहीं होती, इसी तरह। जो हम बार बार जो जन्म ले रहे हैं ना सर, वो हम इसी एनर्जी में ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमको पता चल जाएगा तो हम दोबारा जन्म क्यों लेंगे यहाँ पे, आप बताइए, बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट, राइट है ना। तो ये जब एग्जैक्टली, हमारा जो हम साइकिल पूरा काट लेते हैं ना सर, अपना जो भी रीइन्कार्नेशन का है, बार बार आने का जाने का, वो कब होता है? जब हम ध्यान करके खुद को जान लेते हैं कि हम कौन है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा सब कुछ हम पर्पस जान के, और ध्यान सिखाना सबसे बड़ी चीज, जब हम ध्यान सिखाते हैं लोगों को तो हमारा सारा जो भी कर्म है बैलेंस होता है, और हम यहाँ से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका डिवाइन बींग से कनेक्ट करने वाला, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट गाइड की बात कर रहे हैं ना सर आप, तो उसके लिए देखिए हमारे स्पिरिट गाइड हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी चेतना का स्तर इतना कम होता है कि हम ना उनसे बात कर पाते हैं, ना ही हम देख पाते हैं। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको ध्यान में बैठना है, तो आपको ऐसा इंटेंट लेके बैठना है कि मुझे अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना है, बात को ठीक, अग्रीड, ठीक है। और ये इंटेंट राइट। आपको एक दिन नहीं लेना है, ये इंटेंट आपको 21 डेज तक लेना है लगातार, अच्छा, 21 डेज तक, है ना। ठीक है, 21 दिन में देखिए, 21 दिन में क्या कोई भी चीज सिद्ध हो जाती है, तो बिल्कुल, उस तरीके से आपको 21 डेज तक लगातार करना है, और ट्राई करना है कि आप अपने पूर्ण भाव से कनेक्ट होने का प्रयास करें, है ना। राइट मैम, राइट मैम, ठीक ओके, है, और कोई ओके। क्वेश्चन सर? हाँ नो, मैम, ओके, नमस्कार, थैंक यू। मैम नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते सर। सर मैं जबलपुर एमपी प्लीज, से यतीश द्विवेदी। जी मैम, हाँ जी सर, मुझे बोले, थैंक यू सर। प्लीज कैरी ऑन द जी अर्निंग इफ पॉसिबल। जी 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 एक्चुअली क्या, आज का जो सेशन था, जी, आज का थैंक जो सेशन था बहुत ही शानदार था मैम, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने ट्रीट यू किया है जी। सो मच। और दूसरी चीज, मैं एक दो लोगों से और पूछ चुका हूँ कि ये सांसों के साथ रहने का मतलब क्या है, जो आप बोलते हैं कि कैसे रहना है सांसों के साथ। सर देखिए, सांसों के साथ रहने का मतलब है कि एक शून्य स्थिति में रहना, कि जिस जी अवस्था में आपके विचार बंद हो जाए, है ना। तो जी जी ये जो अवस्था है सर, ये मतलब अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आप अचीव कर पाते हैं, राइट। मतलब ये ऐसा जी नहीं है कि आपने सोचा और हो, जैसे अभी आपको थॉट आ रहा है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप जी क्या करेंगे? आप साक्षी भाव में जाके खुद को देखेंगे कि ये मेरा फिजिकल बॉडी है और ये जी इन सब चीजों में जा रहा है विचार में। जी सर एक सेकेंड, जैसे ही आप साक्षी भाव में जाते हैं, वैसे आपके विचारों की जो एक स्पीड है वो कम हो जाती है, ये चीज फील जी की आपने। जी जी और दूसरी चीज है सर, जब भी विचार आ रहे हैं आप सांसों पे आ जाएं, दो चीज है, एक तो आप साक्षी भाव में चले जाएं या फिर आप जी सांसों पे आ जाएं। जी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सर, ये सांसों वाली जो आपका स्टेट है ना, ये आपका परमानेंट हो जाता है। अच्छा, नहीं तो लेकिन सांसें जो आभास होती हैं, क्या उसको आभास करना है अपन को? सांसों पे ध्यान देना है बस, जी, अच्छा, ठीक सांसों पे ध्यान देने से क्या होता है सर, विचार खत्म हो जाते हैं, जी आपकी एनर्जी बचती है, जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है विचारों में, वो एनर्जी बच रही है, आपकी बिल्कुल चेतना का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन सर क्या होता है ना कि जब लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में जाते हैं ना, तो हम सब भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता कि हमको सांसों पे ध्यान देना है। तो कोशिश करना है ध्यान जी करके अपनी चेतना को बढ़ाने का सबसे पहले, तो और कोशिश करना है कि हम बार बार अपने इस भाव में वापस आए।
जब भी विचार आते हैं सांसों पे आए, विचार आए सांसों पे, विचार आए सांसों पे, ऐसे। दूसरी चीज ये कि नींद आती है, हल्की हल्की सी झपकी आती है, उसका रीजन क्या है? ध्यान के दौरान जी सर क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी, जैसे मान लीजिए कि आपने नया नया ध्यान शुरू किया है, जब जी आप ध्यान करते हैं ना, मान लीजिए आप अकेले भी ध्यान कर रहे हैं, तो उस जी टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारे हायर डायमेंशन के बीइंग्स हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। जी आपकी चेतना का लेवल जिस लेवल पे आप होंगे उस लेवल पे जुड़ेंगे, और जो सामूहिक ध्यान है उसमें तो ज्यादा मात्रा में जुड़ते हैं, तो ये सर उनकी चेतना पॉजिटिव वेव ज्यादा है। की हाँ नेगेटिव है? जी सर, ये पॉजिटिव वेव है ऐसा होना? पॉजिटिव है सर। जी क्या होता है ना, हमारी बॉडी की चेतना कम है, अच्छा, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसकी चेतना ज्यादा है, तो हमारी बॉडी का भी ना एक सिस्टम है। हमारी बॉडी क्या करती है ना, उस एनर्जी को लोअर फॉर्म में उतारती है, समझ रहे हैं ना। जैसे वो जी चेतना हायर फॉर्म में है, यहाँ से जब वो आ रही है तो वो लोअर फॉर्म में आती है, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको नींद आनी भी कम हो जाएगी, वो चेतना जो ऊपर से आ रही है उसका भी स्तर बढ़ेगा, आपका जो एक लेने का स्तर है वो भी बढ़ेगा, सब कुछ। तो ये सर सर मैम ये इसको अभी स्वीकार करना है, एक चीज और, इसको आपको आइज क्लोज करके आपको बोलना है कि मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ पूर्ण रूप से। ये सब आप अभी जब अभी एक्सेप्ट, अभी आने लगी है मैम, करीबन एक आध हफ्ते 10 दिन से। सर ये सबके साथ होता है, इट इज वेरी नॉर्मल। स्टार्टिंग में कितना टाइम हुआ आपको ध्यान शुरू किए? वैसे ध्यान तो मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी जब जुड़ा हूँ, इसके पहले नहीं आती थी मुझे, लेकिन अभी जुड़ा सर हूँ तो आना पाना पता सती नहीं ध्यान कर रहे हैं जो तब से, 2 साल से आना जी एक पाना से। सती ध्यान कर रहे हैं। हाँ जी मैम तो सर देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे ध्यान 2 घंटे कर रहे हैं, कभी कुछ जी ऐसा आ जाता है बीच में कि हमारा ध्यान कम हो गया, हमारी चेतना का लेवल कम हो गया, जी राइट। हमारी जो एनर्जी है वो कम हो गई, उसके कारण भी ये सारी चीजें होती हैं। तो ट्राई करें अपना ध्यान आप बढ़ाएं, इंडिविजुअल जो आप ध्यान करते हैं ना कितना उसको करना चाहिए बढ़ाएं। वैसे, दिन में ध्यान कितना करना चाहिए मैं? सर देखिए, वैसे पत्री जी तो बोलते हैं 3 घंटे कम से कम करने चाहिए, लेकिन जितना आप कर पाए सबसे पहली चीज, जितना आप बैठ पाए, जितना आप कर पाए, और सबसे पहली बात अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके पूछें सारे क्वेश्चन। जब भी आप ध्यान में बैठे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें तो आपको बिल्कुल आंसर मिलेंगे फिर, है ना। ओके, इंटेंट ओके लेके मैम बैठिएगा तो बिल्कुल मिलेंगे। जी ओके मैम ओके, थैंक यू, थैंक ओके मैम यू सो बहुत मच, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक्स। यस थैंक यू जी, थैंक यसु यू जी, यसु जी आपको कुछ पूछना था, आपको भी आपने हैंड मैडम रेज किया था। थैंक जी। हेलो यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं डिसीजन नहीं ले पाती जल्दी से मैम, डिसीजन मैम कि वो वो डिसीजन मैम अपना आप वीडियो डिसीजन कीजिए। ओ अपना वीडियो ऑन मैं कीजिए मैम। एक मिनट, मैम देख तो पाई आपको? हेलो हेलो, मैम आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, राइट, हाँ है ना। आप ही बोल रहे हैं, यशु, यशु जी कौन बोल रहे हैं नहीं बोल रही हूँ। स्क्रीन पर? ओके, तो डिसीजन जो हम नहीं ले पाते ना मैम, उसका रीजन हमारे अंदर बहुत सारे क्या ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, है ना। टाइम के साथ कितना टाइम हुआ आपको ध्यान करते हैं? मतलब वो आपके ध्यान करती हूँ मैं, फिर वो भाग योगा भी कर रही हूँ, और ओके, मतलब थोड़ा टाइम होगा। ओके, कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे आपका एनर्जी बढ़ेगा, है ना। ये आपका प्रज्ञा जब डेवलप होगा ना, तो सारी चीजें आपकी अलाइन होने लगेंगी टाइम के साथ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम के साथ सारी चीजें होंगी। और मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तो मैम अभी मैंने आपको बताया ना, ध्यान में अकेले नहीं है हम, हमारे साथ बहुत सारे बीइंग्स जुड़े हैं हायर डायमेंशंस के, प्लस हमारी सेल की एक एक सेल में डीएनए है, सब हमसे जुड़ा हुआ है, अकेले हम नहीं है, सारा ब्रह्मांड है। आप खुद को अकेले मत समझो, है ना, अकेले नहीं है मैम। आप ध्यान करोगे तो आप सारी चीजें समझ पाओगे टाइम के साथ। ध्यान करो, आपके लिए एक ही आंसर है, आप ध्यान बढ़ाओ अपना, बस और कुछ नहीं, है ना। अगर और कोई क्वेश्चन अगर हम है? जी ऐसे मैम बोलिए। हम रहते हो उधर उधर, हमको इसे अच्छा नहीं लगता। हेलो मैम क्या क्या अच्छा है, नहीं जब लगता मैम? एनर्जी, वाह क्या, हेलो आपका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूरा बोले मैम, क्या अच्छा नहीं लगता है आपको?
नहीं, अगर हम जो केजी सिटी में लेते हैं उधर हमको अच्छा नहीं लगता रहना, तो क्या करना चाहिए? अच्छा नहीं लगता है मैम? तो देखो आप, सबसे पहले तो क्या है ना कि आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, उसका रीजन क्या है? किसी कोई इंसान नहीं है उसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, कोई परिस्थिति के कारण नहीं लग रहा है, या कोई चीज आपको ऐसी चाहिए जो नहीं है तो आपको नहीं लग रहा है? अच्छा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैम बात यह है ना कि नेचर के साथ आप कनेक्ट करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, पार्क में जाओ, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे ग्रीनरी है, घास है, आप वहां पे जाके बैठो, प्रकृति के साथ जुड़ो आप ज्यादा से ज्यादा, तो आपका जो ये एनर्जी है ना बढ़ेगा, आपकी बॉडी भी हील होगी टाइम के साथ। तो आप जो ये नेगेटिव मोड में हो ना, डिप्रेसिव मोड में, इससे आप बाहर आओगे धीरे धीरे, आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी वहां पर, है ना? ठीक है मैम, थोड़ा सा आपको ना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और मुझे पास्ट के थॉट्स आते हैं, लाइक ऐसे मेरे एनिमीज वगैरह जैसे बहुत ऐसे थॉट होते हैं, मैं सोती हूँ तो वगैरह, मतलब मैंने नेगेटिविटी है कुछ मैम, ये ब्लॉकेजेस हैं। देखो आप बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी जो ट्रैप हो जाती है ना, वो एनर्जी है सारी जो टाइम टाइम के आपके लेयर्स में निकल के आती है बाहर, तो इसके लिए आप ध्यान करो ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ यही इसका आंसर है और कुछ भी नहीं, मैं कुछ है भी ना? करूँ तो भी मैं नहीं निकाल सकती ना अपना पास्ट का सब कुछ तो नहीं मैंने निकालना सोच। है मैम, उसको एक्सेप्ट करना है। पास्ट को आप कभी नहीं निकाल सकते, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करो, और उससे इमोशनली कनेक्ट मत करो आप। दो चीजें हैं यहाँ पे, जब जितना आपका इमोशनल कनेक्टिविटी कम होगी ना, उतना आप बेटर फील करोगे। मैम पास्ट देखो, सबका पास्ट है, आप अकेले नहीं हो। पास्ट में सबके पेनफुल चीजें होती है बहुत सारी। कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा दुख से निकल के बाहर आते हैं, तो इट इज वेरी नॉर्मल। हम यही तो एक्सपीरियंस हम खुद लेके आए मैम, हमारा सोल प्लान है ये। जो भी आपने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया ना, वो आपका खुद का प्लान है, दूसरे का नहीं है वो। तो उसको आप एक्सेप्ट करो, अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखो और बोलो कि मैं पूर्ण भाव से स्वीकार करती हूँ अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को, सबको, है ना? ठीक है, आपको ये ना मैम एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेंगी ये सारी। जब भी आपको लग रहा है आप ये करो, नेचर में जाओ, पार्क में जाके बैठो, राइट? ये पार्क में जाके ध्यान करो सबसे बढ़िया, तो उससे आपको ज्यादा बेटर फील होगा। पेड़ पार्क में पौधों मैं को ना वर्कआउट करती हूँ पार्क में जाके। मैम वर्कआउट के साथ साथ आप थोड़ी देर ना ध्यान भी करो, थोड़ी देर आप पेड़ पौधों को जाके हग करो, घास में आप अपने जो भी शूज है निकाल के आप चलो, आईज क्लोज करके, है ना? इमेजिन करो कि सारा जो भी वाइटामिन है, जो भी मिनरल्स है आपको पैर के थ्रू मिल रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी रिलीज हो रही है, राइट? पॉजिटिव एनर्जी आ रही है बॉडी में। ये सब मैम करना पड़ेगा, धीरे धीरे होने लगेगा, है ना? इट्स नो बिग डील एक्चुअली मैम, ये बहुत ही जनरल है आज की डेट में, मैं बताऊँ आपको, मतलब यू आर नॉट द ओनली वन, बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप कोशिश करोगे तो आप निकल पाओगे इससे, और ये है ना? थैंक यू सो मच। और कोई कहाँ से बोल रहे हो? मैम, मैं दिल्ली से हूँ। जी और कोई किसी का कोई हैंडरेज नहीं है मैम? ओके मैम, तो सेशन कंक्लूड कर सकते हैं? या मैम इट्स ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, आप सबका तहे दिल से आभार, तहे दिल से आपको शुक्रिया, भी थैंक बहुत यू बहुत सो मच, थैंक्स मैम, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू थैंक्स। थैंक यू ओके थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आई जस्ट शुक्रिया। होप कि मैं दोबारा सेशन ले पाऊँ यहाँ पे, आई विल कम अगेन अगर पॉसिबल हुआ तो, है बिल्कुल, ना? बहुत अच्छा यस मैम, लगा नेक्स्ट आपसे सेशन जो बात। आएगा, अभी फर्स्ट हाँ अप्रैल हाँ आई से विल दूसरा डेफिनेटली, सेशन शुरू हो रहा है, हाँ जो हाँ बिल्कुल 21 बिल्कुल, डेज अगर का। ओके ओके, डन डन डन, ओके, देन आई विल थैंक यू सो कॉल मच, यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, है या ना? मैम आप सबका दिन शुभ हो, आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, आप सब ग्रो करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक गुड यू, नाइट मैम। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच।